हेलो व्यूअर्स, क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से किसी की किस्मत बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा सिग्नेचर में बदलाव कर दिए, दो चार दिन प्रैक्टिस कर लिए और जहाँ जहाँ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसमें जाकर हम अपना बदलाव कर लिए तो हमारी तकदीर बदल जाएगी, हमारा किस्मत बदल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। सफलता और असफलता में मात्र एक कदम की ही दूरी होती है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष होता है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत कड़ी मेहनत से आदमी उस मुकाम तक पहुंचता है। तो यदि आप सिग्नेचर के सहारे आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं, आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति का बचपन से जो भी सिग्नेचर होता है, अगर वह 20-25 साल का है तो 20-25 साल में न जाने कितने हजारों बार वो सिग्नेचर कर चुका होता है। लेकिन आप आज सिग्नेचर बदलते हैं और कल ही रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये भला कैसे संभव है? तो उस 25 साल के व्यक्ति ने जितनी बार सिग्नेचर किया है, कम से कम उसका 75% भी आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर वह सिग्नेचर आपके जीवन में कुछ सुधार कर पाएगा, आपके जीवन में कुछ रंग ला पाएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप सोचते होंगे कि सिग्नेचर पूरा बदल देने से मेरी तकदीर बदल जाएगी, मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से सफलता और असफलता में मात्र एक कदम की दूरी होती है, ठीक उसी तरह से सिग्नेचर में भी एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा डॉट आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। बस उसी पॉइंट को आपको खोजना है कि कहां पर मैं अपनी गलती कर रहा हूं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमको इस तरह से लिखना चाहिए, हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो इसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं, या यदि आप खुद चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को पकड़ें अपने सिग्नेचर में, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आपको कुछ सिग्नेचरों को देखकर आपको उससे ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, तब आप कहीं उस पॉइंट को पकड़ सकते हैं जिसके कारण से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो चीज़ आप जिंदगी में चाह रहे हैं। ये सिग्नेचर क्या है? ये सिग्नेचर हमारे ब्रेन का प्रोडक्ट है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड का प्रोडक्ट है। जो जो भी चीज़ जिम्मेवार है हमारी सफलता के पीछे और जो जो चीज़ जिम्मेवार है हमारी असफलता के पीछे, वो सारे चीज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो गए। तो उसमें हमें सुधार करना पड़ेगा और उस अनकॉन्शियस माइंड से किसी भी चीज़ को निकालना इतना आसान नहीं होता है। आप थोड़ी देर के लिए किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर लाइए और आप उसका नकल करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा तो शायद उस तरह से आप लिख लें, लेकिन 100% तो आप कॉपी नहीं ही कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको तकलीफ होगी, आपके मन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर आएगा। एक दो बार से ज़्यादा आप करना नहीं चाहिएगा, उब जाइएगा। क्यों ऐसा होता है? तो आपका जो भी अनकॉन्शियस माइंड है ये कहीं ना कहीं नर्व्स से चलता है। तो आपका नर्व्स एक पाथ बना लिया है कि हमें इसी हिसाब से चलना है। तो जब आप कुछ उल्टा करने जाते हैं, उसके विपरीत करने जाते हैं, तो उस नर्व्स को परेशानी होती है, क्योंकि नर्व्स के माध्यम से ही ये आपके ब्रेन से होते हुए हाथों में जाता है और हाथों से होता हुआ आपकी उंगलियों तक जाता है और उस उंगली से फिर पेन तक जाता है और पेन से फिर पेपर पर आता है सिग्नेचर। तो यदि आप किसी का भी नकल करते हैं तो उसमें आपको परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। तो एक सफल व्यक्ति बनने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे सिग्नेचर को ही चेंज करें। बस आप एक छोटे से पॉइंट को पकड़िए और उस पॉइंट पर ही आप काम कीजिए, उस ग्राफ में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। यदि आप इसे रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते हैं, रात दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखिएगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ बदलाव होने लगा। क्योंकि जिस तरह से आपका नेचर होता है, जिस तरह से आपका स्वभाव होता है, सिग्नेचर में वो चीज झलक जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप सिग्नेचर न बदलकर आप अपने स्वभाव को बदलने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि उसमें आपको कष्ट भी होगा और उसमें आपको समय भी लगेगा। लेकिन एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है। एक लीन और थिन व्यक्ति अगर अपने प्रैक्टिस से अपने बॉडी को बना सकता है, तो आप अपने भाग्य या तकदीर को क्यों नहीं बदल सकते हैं? तो ऐसा मत समझें कि ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है ये उस एस्ट्रोलॉजी से कुछ अलग है। इसमें भी वही ग्रह छिपे हुए हैं जो ग्रह आपके कुंडली में है।
आप कहीं से भी सुधार कर सकते हैं, आप कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। कुछ लोग हस्तरेखा देखकर एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो चीज तो वही टैली करता है जो आपके कुंडली में है, लेकिन कुंडली में ग्रहों को उठाने के लिए कुछ दूसरे उपाय किए जाते हैं, और उन उपायों से ये कहीं ज़्यादा सहूलियत भरा है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक कॉपरेट की ज़रूरत है, ये किसी को बताने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से चेंजिंग लाएं, तो आप क्या बन सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई खास रिसर्च हुआ नहीं है कि आपको ये बता दिया जाए कि आप अगर इस तरह का ग्राफ बनाते हैं तो ये रिजल्ट आएगा, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं तो ये रिजल्ट आएगा, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं तो ये रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन आप अपने सिग्नेचर को देखकर ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि यहाँ पर मेरी फॉल्ट हो रही है। थोड़ा देर के लिए आप समझ लीजिए, अगर आप डी लिखते हैं और ऐसे घुमा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि डी का जो नेचुरल लिखावट है वो सीधे की तरफ है, तो यहाँ पर आप एक गलती कर रहे हैं। हाँ, अगर उसे आगे की तरफ ले जाते तो ये कहीं ज़्यादा बेटर होता। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जिस हिसाब से टाइप किया जाता है या जिस हिसाब से आप कर्सिव राइटिंग वगैरह लिखते हैं, अगर उसी हिसाब से आप अपना सिग्नेचर बनाना चालू कर दें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आप बदलाव अनुभव कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि यदि आप इससे इंटरेस्ट रखते हैं, आप अपने सिग्नेचर को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितने भी उम्र के हैं, आपने बचपन से लेकर अभी तक जितनी बार सिग्नेचर किया है उसका कम से कम 75% आप कर डालिए, तभी आपकी सिग्नेचर कुछ रंग ला सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि इसका लगाव कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से है, और जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट नहीं होगा तब तक ये सिग्नेचर कुछ भी जिंदगी में रंग नहीं लाएगी। तो मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।